गाइस, आज के काम की फाइनल लुक आप देख सकते हो। हेलो यूट्यूब, कैसे भाई लोग। तो गाइस, आज स्प्लेंडर का आगे का काम शुरू करते हैं हम। लाइट फिट करेंगे उसमें और फ्यूल टैंक फिट करेंगे और देन हल्का सा एक बार चला के उसको देख लेंगे। बाकी का काम बाद में करेंगे, जो उसका बैक का काम करना, मोटा टायर करना। तो गाइज, आज वीडियो बहुत लंबी जाएगी क्योंकि काम छोटा 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 बहुत है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा नहीं आज आपको, थोड़ा सा है एक स्टेप फॉरवर्ड करके, लाइक फास्ट करके वीडियो प्ले कर दूंगा किसी ट्यून के साथ। आप उसमें धीरे धीरे देखते रहना कि क्या हो रहा है क्या नहीं, आपको समझ आ जाएगा। तो बीच बीच में मैं बोल दूंगा, बीच बीच में मैं आपको मेंशन कर दूंगा क्या क्या चीज़ है, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो चलिए, सबसे पहले मेरे को एक पत्ती बनानी पड़ेगी जिस पे मैं लाइट फिट करूंगा, क्योंकि वो पत्ती अटैच होगी टी पे, स्क्रू वहाँ पे होल है वहाँ पे स्क्रू के साथ। तो जल्दी से वो पत्ती बना के लाइट फिट करते हैं, देन उसको फ्यूल टैंक को बेल्ट करके, एडजस्टमेंट करके उसको वहाँ पे अटैच करेंगे चैसी के साथ। तो चलिए जल्दी से काम शुरू करते हैं। चलिए जल्दी से हम लोग टैंक फिटिंग के लिए थोड़ा मेज़रमेंट ले लेते हैं। ये है, हमें एक्चुअली बुलेट का टैंक लगाया, तो ये छोटा है लेंथ वाइज, तो थोड़ा सा लंबा चाहिए। यहाँ पे हमने टाइट करना है और यहाँ से पत्ती यहाँ से बना के इसको टाइट करेंगे। बाकी एज इट इज़ बुलेट का टैंक स्प्लेंडर पे फिट हो गया है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं टैंक मिलता है तो आप भी इसको एज इट इज़ फिट कर सकते हो। तो काफ़ी ब्रॉड लुक आ रही है, मैं दिखा देता हूँ ये। और चलिए, जब तक ये बनती है, टैंक बनता है हमारा, तब तक हम इसकी लाइट फिट कर लेते हैं आगे। और लाइट फिट करके और फिर आपको लुक दिखाता हूँ, फिर टैंक फिट कर लेते हैं आज। और देन इसके कैप बनाएंगे आज, कैप बन जाएंगे जब, फिर इसकी सीट फिर से बनेगी क्योंकि थोड़ी लंबी करनी पड़ेगी। तो तीन चार काम है ये, आज की डेट में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से और लाइट फिट करते हैं जल्दी से इसकी। इस पे टैंक पे काम होना है। टैंक का आप देखो कि यहाँ पे लॉक लगेगा और इसके ही है, तो हम यहाँ से काट के टैंक को, इसको फिर सीधा करेंगे टैंक को, और फिर यहाँ पे एक पत्ती बना के जो वहाँ पे बेल्ट होके यहाँ पे अटैच होगी। तो टैंक का काम करेंगे, ये बुलेट का टैंक है और फिर इस पे पेंट होगा। तो लुक आप देख सकते हो, ये लुक है। तो चलिए जल्दी से इसका टैंक हम करवा के आते हैं, फिर देखते हैं इसको। चलिए, तो गाइस ये पत्ती बन गया, एक बार इसकी फिटिंग देख लेते हैं। बस ठीक है।
गाइस बाकी काम हो गया, लाइट लुइट फिट कर लिया। अभी थोड़ा वायरिंग का काम कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि वायरिंग का बड़ा मेन होता है काम। इसमें हम सिर्फ लाइट और इंडिकेटर की वायर बाहर रखेंगे, बाकी सारी हम अंदर डाल देंगे। सारी वायरिंग बाहर, वायर का कोई गंद वंद रखना ही नहीं है हमें, और सिर्फ लाइट की मेन है और इंडिकेटर की, ये दो चीज़ें हैं जो हम बाहर रखेंगे, बाकी सारी अंदर हम डाल देंगे। यही दो हमें चाहिए। जो बाहर एंड है वो इंडिकेटर के साथ ही अटैच कर लेंगे, वो एडजस्टमेंट हम कर लेंगे। तो चलिए ये वायरिंग देख लेते हैं और फिर इसको जितना काम आज के लिए होता है। आज इसकी टैंकी एक चाबी बनवानी है डुप्लीकेट, क्योंकि इसकी चाबी नहीं है हमारे पास, और ये काम अभी का हो जाएगा। और एक सीट बनवानी है हमने, तो ये ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक हम काम कर लेंगे। और देन सीट सूट एक बार बन जाए तो फिर हम इसको एक बार पेंट पे भी रखवा देंगे। बैक तो बनाने के लिए हम बाद में बनाएंगे इसका बैक, जो 140 टायर इंस्टॉल करना है। रीज़न ये है कि उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो थोड़े दिन तो हम मेहनत की है, तो थोड़ी बाइक चला के फील तो ले लें यार। तो चलिए आज वायरिंग का भी काम करके बाकी दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये आज के काम की फाइनल लुक आप देख सकते हो, ये है। होप कि आपको पसंद आई हो। और जब पेंट हो जाएगा मैं साइड पे भी दिखा देता हूँ आपको। ये साइड से दिख रही है स्प्लेंडर, और फ्रंट से आपको मैंने दिखा दिया। होप कि पसंद आई हो आपको। अभी हम लोग, चलो जितना काम हो गया सो हो गया। इसकी एक चलते चलते की राइड की वीडियो डालूंगा मैं, क्योंकि सारे बंदे पूछते हैं खर्चा और चलाने की वीडियो नहीं डाली और स्टार्ट नहीं की, ऐसी छोटी मोटी चीज़ों की बड़ी कंप्लेंट आती है। मैं कभी ध्यान नहीं देता, लेकिन अब ध्यान दिया करूँगा। तो गाइस और एक बात, इसमें से आज हम आपको आग निकाल के दिखाएंगे, सिलेंसर से आपका स्पोर्ट्स बाइक की तरह इससे आग निकाल के दिखाएंगे। वह थोड़ी रात होने दो, तब मैं डालता हूँ। और उससे पहले मैं आपको खर्चा बता देता हूँ। तो भाई साहब, ये हमने कबाड़ में पड़ा हुआ था FZ, आग लगी हुई थी, वो बाइक थी हमारे पास। एक मिनट, ट्रैक्टर जाने दो यार, इस साइड आ गया। तो रोड पे खड़ा हूँ यार, तो कोई ना कोई आ रहा है। तो भाई साहब, FZ जो थी उसको आग लगी हुई थी, वो हमने परचेज़ की थी 1500 में। सिर्फ फ्रेम था, बाकी आग लगी थी। उसके शॉकर मैंने रिपेयर कराए शॉकर वालों से, वो मेरे को कॉस्ट पड़ी 600 रुपया। और टी तो उसी की थी, कोई ख़र्चा नहीं, ठीक है। और देन टैंक, बुलेट का टैंक अगर आप मार्केट से भी परचेज़ करो तो आई थिंक 4000 तक आपको अच्छा टैंक मिल जाएगा। अगर नहीं लेना बुलेट का, कोई अपने अकॉर्डिंग लेना चाहते हो तो वो आप ले सकते हो, फिटिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और रही बात हैंडल की, हैंडल बार मैंने खुद बनाया ये, तो ये मैं सेल करता हूँ यहाँ पे, जो वो करता हूँ मैं 350 रुपये का। तो हैंडल बार खुद बनाया, लाइट कस्टम मेड है, लाइट खुद बनाई गई है। तो लाइट हम कॉस्टली सेल करते हैं, वो 2500 रुपये की करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें जो बल्ब है वो अलग बल्ब है, वो फॉग लैंप, सॉरी प्रोजेक्टर लैंप वाला बल्ब है, तो इसलिए वो लाइट बल्ब कॉस्टली आता है, तो वो कॉस्टली पड़ता है। साइलेंसर का बहुत बंदे पूछ रहे हैं, तो साइलेंसर भाई साहब ये कस्टम मेड है, खुद बनाया गया है, ये मार्केट से आपको नहीं मिलेगा। बट आपको मैंने बता दिया था कि साइलेंसर बनता कैसे है, क्या है, क्या प्रोसीजर, आप उसी हिसाब से मार्केट से साइलेंसर लेके और स्प्लेंडर में फिट कर सकते हैं। जिनको स्टिल नहीं पता, वो आई बटन पे जाके ऊपर वो वीडियो चेक कर देते कर सकते हो। मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ फिर से, उस हिसाब से अपना साइलेंसर परचेज़ करो और अपनी गाड़ी में फ़िट करो। तो और क्या, अभी और तो कुछ किया नहीं इसमें। पेंट करेंगे अभी, लॉयर इंस्टॉल करेंगे, तो काफ़ी काम होगा अभी। तो जस्ट आज के काम की फ़ाइनल लुक आपको दिखा दिया मैंने। तो कैसी लगी वीडियो आप मेरे को बताना ज़रूर, अच्छी लगी बुरी लगी जैसे भी है, तो प्लीज़ मेंशन ज़रूर करना। और चलिए जल्दी मिलेंगे, अभी इसका काम थोड़ा डिले करेंगे आगे, क्योंकि अगले हफ्ते मेरे को बुलेट का काम करना है, जो बॉबर पड़ी है, तो इसका काम अभी रोकेंगे थोड़ी देर, इसको चलाएंगे ऐसे ही। तो इसको अभी कैफे रेसर की टाइप पीछे से लुक देंगे हम लोग, तो होप कि अच्छी बने। और कैसी लगी वीडियो मेरे को बताना ज़रूर, और जो भी आपको क्वेश्चनिंग है कुछ भी आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी मेरी है punitpal27, punitpal27। ना व्हाट्सअप कीजिए ना फेसबुक पे कीजिए, दोनों पे आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। कॉल आप 6 से 9 के बीच में मेरे को कर सकते हैं, इसके अलावा आपसे बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑफिस में होता हूँ, रात को मैं आके सोता हूँ, 9:30-10 बजे सो जाता हूँ। तो आप इंस्टाग्राम यूज़ कीजिए या मेरे को कॉल कीजिए, नंबर मैं फिर से शेयर कर देता हूँ 9988551194, 6 से 9 शाम का टाइम, इसके अलावा बात नहीं हो पाएगी भाई साहब। और इंस्टाग्राम पे आप कुछ भी पूछ सकते हो, वो मैं जब भी फ्री टाइम मिलेगा रिप्लाई कर दूँगा आपको। तो चलिए कैसी लगी वीडियो बताना ज़रूर, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, खुश रहो और ऐसे ही प्यार देते रहो मेरे को। थैंक यू।